तो एट इज लाइव करो इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका फोर्थ लेक्चर होगा, ऑडियो सीरीज सेशन रहेगा। टॉपिक वाइज हम करेंगे जीके जीएस सारा चीज। अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री से, फिर करेंगे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा साइंस का, उसके बाद हम करेंगे आपका पॉलिटी, फिर आपका रहेगा ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। ये जिस तरह से प्रायोरिटी वाइज होता है, जिससे ज्यादा टॉपिक्स आता है हर एक एग्जामिनेशन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आती है, खासकर बीपीएससी बिहार टीचर्स में आपका हिस्ट्री से आएगा। उसके बाद आपका आएगा साइंस के, उसमें भी हम उठाएंगे सबसे पहले आपका जितने भी आएगा। उसके बाद हम उठाएंगे आपका पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। इस तरह से सारे सेशन होगा, लगभग 7,000 या 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वन लाइनर और एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और आपको समझाते हुए चले जाएंगे। चलिए, आप पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक वाइज आप अपना मैच करते जाएगा, आपने पढ़ा होगा। अब बताइएगा कि क्वेश्चन का जवाब, पहला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल, ये टॉपिक है। क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र के पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका है पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर विंध्य क्षेत्र या कश्मीर घाट। तो आपका आंसर आएगा दक्षिण भारत से। फिर से बता देता हूँ, राख के टीले किस क्षेत्र के पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप बताइएगा ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श पर नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, मतलब किस दिशा में रखकर के दफनाते थे? ऑप्शन आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है या पूर्व से पश्चिम है, दक्षिण से उत्तर है। तो सीधे आंसर बताता हूँ इसका, आपको दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर यानी नॉर्थ से साउथ की ओर रखकर के दर्शाया जाता था। डायरेक्शन आपके दिमाग में छप गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका यह पशुपालन का शुरुआत हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, नवपाषाण काल में। बताइएगा नेक्स्ट, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ था? मनके आपका है, ऑप्शन है पाटने, भीमबेटका, आदमगढ़, वागोर। आपके आंसर है इसमें भीमबेटका। ठीक है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो भीमबेटका में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चिरांद पुरास्थल पर स्थित पुरास्थल जो है किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आपके आंसर आएगा नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति आपका कहा जाता है, ऑप्शन है निम्न पुराण पाषाणकालीन संस्कृति या मध्य। तो आपका आंसर आ जाएगा फलक संस्कृति आपका आएगा, पोफो वो जिसको आता है पोफो वो मो, यानी सेम अक्षर में है। तो फलक आएगा मो, मध्य पुराण पाषाणकालीन संस्कृति से याद करने के लिए मैंने बताया है पोफो वो मो, यानी इस सीरीज में आ रहा है। तो फलक आ जाएगा मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा आपका पड़ता है पुरास्थल किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? आपका शिकार खेलना था। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं 2 से 3 बार बोलूंगा, और जो इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड आ रहा है बार बार उसको मैं ये तेजी से कंप्लीट करूंगा। आप बस इसको सुनते जाइएगा, लास्ट नाइट में कोशिश कीजिएगा इस ऑडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले 2 घंटा का मैंने पूरे हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत को पूरे कंप्लीट किया है 1885 से लेकर 1947 तक। अगर वीडियो अच्छी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर पूर्व पाषाण काल से। कलाकृतियां से संबंधित अगर प्राचीनतम पूछेगा तो उत्तर पूर्व सॉरी उच्च पूर्व पाषाण काल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दक्षिण भारत की महान पाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? दक्षिण भारत की जितनी भी महान समाधियां है वो आपकी मानी जाती है लौह काल से संबंधित है। ऑप्शन से पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। तो आपका आंसर हो जाएगा लौह काल। मैं ऑप्शन से जहां जरूरत होगा ऑप्शन भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज आपकी हुई थी 1957 से 58 तक। ओके, 1957 से 58 भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी? बृहद पाषाण स्मारकों की खोज की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। बृहद
पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी कैसे, तो ऑप्शन से सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर आएगा मृतक के दफनानों के स्थानों के रूप में बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है संदर्भ सभ्यता। संदर्भ सभ्यता के बारे में आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपके आंसर हैं आहार, आहार। ओके, ऑप्शन है आहार गिलुंद कायथा हन नावदा टोली। तो आंसर होगा आहार। ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालिक स्थल में तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है परंतु प्रस्तर उपयोग उपकरण प्राप्त नहीं हुए है? तो सिर्फ आहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ये भी ठीक है। हड़प्पा नदी ब्यास नदी के नहीं, ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी ने हड़प्पा का आपका हद कर दी, आपने गाना सुना होगा हद कर दी आपने, यानी ह दो दो से दयाराम साहनी ने, छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो आप बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी जितने भी हैं, तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा, केवल दो सही था। मैंने बताया था हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और हड़प्पा में, ये हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ये हड़प्पा आपका ब्यास नदी नहीं रावी नदी के तट पर पड़ता है, हड़प्पा का उत्खनन करता है दयाराम साहनी है। चलिए नेक्स्ट, छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त राल निम्न में से कहाँ स्थित है? स्वात्र घाटी पर। गुफक राल कहाँ पर मिलता है? स्वात्र घाटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है अलेक्जेंडर कलिंगम। ऑप्शन और भी है जैसे जेम्स प्रिसेप्स, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, या इनमें से एक से अधिक। भारतीय पुरातत्व का जनक जिसको माना जाता है अलेक्जेंडर कलिंगम को। ऑडियो फॉर्म में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कम समय में ज्यादा हम क्वेश्चन कर सके, इसको 2-3 बार सुनिए बस, इस कोशिश करेंगे इसमें पूरा हिस्ट्री पूरा साइंस कंप्लीट कर दे। भारतीय नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी, यानी शहरीय प्रकृति थी। संदर्भ मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन से था? तो आपका था एक सिंह वाले पशु के रूप में। संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभियान निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है गज, वृषभ, गैंडा, एक सिंह वाला पशु आपको संदेश से मुद्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन खंडता से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन से आर डी बनर्जी, इसमें ऑप्शन बताना पड़ेगा कि नहीं थे बोल रहा है आर डी बनर्जी, ए के एन दीक्षित है, एम एस वत्स है, या बी ए स्मिथ है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ए स्मिथ। बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जितने भी हैं, जैसे आर डी बनर्जी हो गया, मोहनजोदड़ो के खोज करता है, हड़प्पा के में ए के एन दीक्षित, ये सारे चीजें बाकी लोग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किससे प्रचलित नहीं थे? ऑप्शन है बाघ, अश्व यानी घोड़ा, हाथी अज और शेर, इसमें से आपके आंसर आ जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रचलित नहीं थे, तो आपका शेर से प्रचलित परिचित नहीं थे, बाकी सब चीजें से परिचित थे, बाघ से परिचित थे, और आपका अश्व से परिचित थे, हाथी से भी परिचित थे, अजय से भी परिचित थे, शेर से नहीं परिचित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो ये आपका भोगवा नदी पड़ता है, लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास यानी हानि, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो आपका सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण सही आंसर आएगा आर्यों का आक्रमण, आर्य का आक्रमण हुआ था जिसके कारण ये पतन मुख्य रूप से ये माना जाता है महत्वपूर्ण जो कारण है। ऐसे ये भी सारे कारण थे, बाढ़ की स्थिति थी, सारी चीजें थे। नेक्स्ट क्या चलते हैं, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई थी? कौन सी चीजें पाई गई थी सिंधु सभ्यता में? आपका अन्नागार पाया गया था, 2 मंजिला भवन पाया गया था, स्नानागार पाया गया था, बाकी चीजें नहीं पाई गई थी।
जैसे ऑप्शंस में बता देता हूँ, विष्णु की मूर्ति नहीं पाई गई थी, एक मंजिला नहीं पाएगा था, और चौड़ी सर के ये सारे स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, ये आपके मुश्किल जो पाया गया है, ये तीन चीजें याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में एक अन्नागार यानी कि सबसे बड़ा अन्न रखने का जगह, या दो मंजिला भवन और स्नानागार ये प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में मानी जाती है, आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की तिथि सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो किसने किया निर्धारित किया था? मेसोपोटामिया के अवशेषों को सापेक्ष कालक्रम से संबंधित है। ये ऑप्शन और भी है, सुमेरियन सभ्यता के अवशेष के आधार पर, मिस्र के संबंधित है, या सिंधु सभ्यता के अवशेष के आधार पर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे संबंधित किया गया था? तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? तो आपके दोनों थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चंद्रद्रोह हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है कहाँ पर? स्थित है ऑप्शन है सिंध, पंजाब में, गुजरात में, बहावलपुर में है। तो आपका आंसर आएगा चंद्रद्रोह हड़प्पा, ये सारे जो थे सिंध में स्थित है, सिंध आपका पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के होते थे? वो आपके थे आपके 16 गुणज भाग के थे, 16वां ऐसा जिसको कहते हैं, 16 चार जैसे चार निया, पांच आठ निया, इस 12 16 निया होता था ना, इसलिए 16 गुणज के भार के, 16 गुणक यानी मापक के लिए किस भाग का उपयोग करते थे? 16 गुणज का भार के रूप में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से, चालुक्य अवधि से। तो अभी मैं सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल है, किस अवधि से? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन किसी से घुमा की तरफ पूछेगा, आंसर आ जाना चाहिए आपको। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है, ऑप्शन पहले आया है, तथ्य जान लीजिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो उपयुक्त सभी ये चारों चीजों के लिए जानी जाती है, डी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? तो आपका मैंने क्वेश्चन बोला, अभी रिपीट हो रहा है, विदेशी व्यापार से संबंधित। सिंधु सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, बहुत बार आपने लूसेंट और स्पीड में पढ़ा भी होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, आपका हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका स्थित है सिंध में, सिंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है? आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट चलते हैं, अवेस्था और वेद में समानता है, अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ईरान से है, अवेस्था आपका है ईरान से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसको नटराज कहते हैं, किस स्थान पर पाई गई थी? तो आपका ये पुरुष नटराज करते हुए हड़प्पा में पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाई गई थी? तो हड़प्पा पाई गई थी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। चलिए, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था? गुजरात में पाया गया है आपका धौलावीरा, गुजरात में आपका पाया गया धौलावीरा। इसको डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन आपको हेल्पफुल रहेगा, बीपीएससी में है, झारखंड एसएससी, आप किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा आपको कंटेंट दो बार तीन बार बोल करके समझाना, दैट्स अ वेरी बिग डिफिकल्ट टास्क, और मैं इसमें लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारे इसी चैनल के नाम से मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप में ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता गुजरात में स्थित है? तो मैंने बताया धौलावीरा है। ऑप्शन से इसमें बालावत है, खांडिया है, धौलावीरा है, मांडा है। तो धौलावीरा आपको गुजरात में मिलता है, लोथल भी गुजरात में ही मिलता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित आती है, सिंधु सभ्यता आपका आद्य ऐतिहासिक काल से। आप बाकी ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, सिंधु सभ्यता निम्न में से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य आपको मिला है और
धौलावीरा से, जलाशय धौलावीरा, बाकी ऑप्शन आपसे कोई मतलब नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग क्या है? तो सुमेरिया के साथ व्यापार संबंधित संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, इसमें जरूरत है। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। ये बाकी तो दास प्रथा ये सब तो आ जाता है मिडिल इंडिया में, यानी कि अकबर के टाइम में आता है, बलबन के टाइम में आता है दस प्रथा। और ताम्र के सिक्के जो गुप्त काल में मैंने पढ़ाया है उसमें आप जान सकते हैं। तो सुमेरिया के साथ इसमें व्यापार से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किसके संबंधित है? तो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि, ऑप्शन जान लीजिए, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी विकास जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखी लेखीय लिपि थी, ठीक है। इसके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सारे चीजें ए बी सी डी तीनों होगा तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, डिफरेंट क्यों थी? तो इनके पास विकसित सारी सुविधाएं थी, इनके पास चित्र लेखन लिपि थी, इनके पास लोहे शस्त्रागार अस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ऑप्शन से बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो आपका आंसर मार दीजिएगा बैल जो कि होता है, जो कि भगवान शिव के कह सकते हैं जो एक वाहक है, ठीक है, भगवान शिव के वाहक है बैल, हमेशा जिसको साथ रहते हैं शिव के। हड़प्पा के मुहरों पर देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन जानिए, दधेरी है, उल्लास है, मांडा है और बुरझोम है। तो बुरझोम आपका सऊदी अरबिया में पड़ता है, तो ये आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, सिंधु सभ्यता से नहीं है। और स्पीड बढ़ा के चली गई। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सिंधु प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता, अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसमें ये सारे एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, जैसे एडिटेरिया का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, या फिर राकेश सर का हो गया, या फिर किरण पब्लिकेशन का, उसका भी हम ऑडियो या वीडियो हम फॉर्मेट में ला देंगे। पीडीएफ आपको ए टू जेड लाइव ग्रो इंडिया टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक विद्वान द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन से छोड़ दीजिए, आंसर से बताता हूँ, आर डी बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो है आर डी बनर्जी के द्वारा, 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी किस दिशा में? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्राश में, दक्षिण प्राश में, और पूर्वी प्राशव में, दक्षिणी प्राशव में। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर है उत्तर और दक्षिण प्राशव में, यानी उत्तर और दक्षिण के में यह स्नानागार ओपन खुलता था, उत्तर और दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली जगह का विकास 5000 बीसी के से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस 20 मिनट अभी नहीं हुआ है, इससे जल्द में लगभग 100 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। सिंधु सभ्यता के लोग खाली जगह बनाने के लिए तांबे और टीन का उपयोग करते थे। तांबे और टीन बनाने के लिए कांस बनाने के लिए हम तांबे और टीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो ऑप्शन है आपका कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। और तो इसमें आंसर आ जाएगा आजमगढ़, आपका सिंधु सभ्यता से नहीं संबंधित है। बाकी हैं हर कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो भी है,
ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के महान स्नान नगर कहाँ प्राप्त हुए थे? आपको मोहनजोदड़ो से मैंने अभी बताया। और सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहड़े किस पदार्थ से निर्मित की जाती थी? तो पदार्थ आपका था रेसखड़ी से संबंधित थे, रेसखड़ी से संबंधित थे आपके जितने भी मुहड़े बनते थे रेसखड़ी। ऑप्शन और भी है, मैं बता देता हूँ, जैसे तांबे से हो गया, पक्की मिट्टी से हो गया, या अकीक से हुआ था, नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर होना चाहिए रेसखड़ी से होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली जगह की पूजा करते थे, तो आपको पशुपति की पूजा करते थे, जो कि शिव भगवान का एक रूप है। नेक्स्ट आप चलते हैं वैदिक सभ्यता। अभी इतना मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित बताया, लगभग मैंने 60-70 क्वेश्चन बताया, और उससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल बताया। अब है वैदिक सभ्यता। अगर इससे संबंधित आपको क्वेश्चन होगा दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 20 मिनट में मैंने लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवाया। मोहनजोदड़ो, अब वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपको ऑप्शन है बृहदासनागार, अन्नागार है, दो मंजिले भवन है, या फिर गढ़ी है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से एक कोई नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा सही है आपका, यह हो जाएगा अन्नागार। ओके, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? अन्नागार। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ आपके 4 हैं, ठीक है, पुरुषार्थ आपके 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो। गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है, किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपके ऋग्वेद से लिया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने कल भी बताया। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी है ब्राह्मणी है, ठीक है, ब्राह्मी है। ऑप्शन और भी है देवनागरी, खरोष्ठी, पाली। तो आपके देव आपको लगाना है ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी है ब्राह्मणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो सबसे पुराना वेद अगर पूछेगा तो ऋग्वेद बताइए। वैदिक सभ्यता चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है? त्रयी मतलब तीन वेद, ठीक है, तीन गुण नहीं, तीन पुरुषार्थ नहीं, तीन वर्ण नहीं, त्रयी मतलब होता है तीन वेद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन से सिकंदरिया, लोथल, महान स्नानगढ़ जिसको कहते हैं, नया नागपट्टनम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर आ जाएगा लोथल, एक हड़प्पा का आता है, लोथा से संबंधित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान स्थित है आपका? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो आपका आंसर आ जाएगा लोथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगज कोई का महत्व निम्नलिखित में, महत्व इसलिए है कि क्या है महत्व इसमें? जहाँ वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि जहाँ वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। और भी ऑप्शन है, उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करें कि इंग्लिश और हिंदी का भी हम क्वेश्चन ले आएंगे आपके लिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि उसमें भी 30 नंबर लाना मैंडेटरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके, अगर आपने समझ लिया होगा जितने भी आपने मैंने बताया है उसको आपने दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। 23 मिनट हो चुका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद में आपका किस जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती? तो ऑप्शन है मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद में देवी पूजा, या बलि एवं कर्मकांड पर। तो ऋग्वेदिक काल में बलि एवं कर्मकांड पर ज्यादा विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है आपका यजुर्वेद, आपके 4 वेद में से यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान से। अगर जादू टोना की बात करेंगे तो अथर्व वेद होगा, और साम होगा संगीत वेद से, और जितने मंत्र ये सारी चीजें प्रारंभिक होगा ऋग्वेद से संबंधित होगा। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद आपका साम ऋग्वेद आपका निम्न में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ओके, ऋग्वेद पर आधारित है जिसे ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो आपका आंसर आ जाएगा सामवेद आपका ऋग्वेद पर आधारित है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है।
मैं आपको वो सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, ये अपने नोट्स में दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। दमदमा आपको मिला है पुरातत्व यूपी से मिला है, प्राचीनतम हड्डियों में उपकरण आपको यहाँ पर मिला है, मोहन आपको यहीं पर मिला है। और दमदमा में मध्य पाषाण काली स्थल से संबंधित है। चिरांद आपको बिहार में पड़ता है, हिरण की हड्डी यहाँ पर मिला है, सीवान छपरा में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है, जो कि आंसर आएगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का फर्स्ट स्थल यही मिलता है हड़प्पा, पाकिस्तान में मोहन मोट गोमड़ी जिला में स्थित है। कहाँ पर? मोट गोमड़ी स्थित में स्थित है। और हद कर दिया आपने, मैंने गाना के रूप में बताया, इसका खोज करता है दयाराम साहनी 1921 में। रावी नदी के बायां तट पर स्थित है। प्राचीनतम नाम इसका है परुशनी, प्राचीनतम नाम है आपका परुशनी। प्रमाण मिलता है चांदी के, इसमें मिलता है चांदी की उपलब्धता मिलता है। गठिया आपका मिलता है, गठिया का रोग यहाँ मिलता है। नटराज की प्रतिमा मिलता है, तांबा की भट्टी मिलता है, अन्नागार का प्रमाण मिलता है। ये सारी शहरी और नगरीय सभ्यता थी। गायत्री मंत्र के बारे में आप सुन लीजिए थोड़ा सा। रचना किसने किया था? तब विश्वामित्र ने किया था। और मंडल मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलते हैं। ओम भूर भूर शिव, ये सारे जो इसके गायत्री मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में प्राचीनतम के वेद हैं ये प्राचीनतम। मंडल की संख्या कितने हैं ऋग्वेद में? 10 है। सुक्तियों की संख्या 1028 है। जानकारी आर्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक की मिलती है। ऋचाएं की संख्या 10462 है, 10462 है। इंद्र की के लिए ऋचाएं कितनी है? 250 है। इंद्र के लिए ऋचाएं 250 है। अग्नि के लिए 200 है, 200 ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उपयोग हुआ, इंद्र के लिए 250। कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। नदियों का वर्णन 25 प्रकार है। कृषि का प्रमाण 24 मिलता है। पिता शब्द का प्रयोग 335 बार 335 हुआ है। एक बार गंगा नदी का उपयोग हुआ, 3 बार जो नदी यूज हुआ है जमुना, यमुना जिसको कहते हैं, और सबसे अधिक बार नदी का जिसका यूज हुआ है वो सिंध का, सिंध का। पवित्र नदी सरस्वती को मानी जाती थी। अफगान में कितने नदियां हैं? ये सारी चीजें अफगानिस्तान में। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश के, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑप्शन मिलता है? सबसे प्राचीनतम मंडल आपका है जो कि माना जाता है आपका 207, और सबसे प्राचीनतम 207 मंडल मानी जाती है। और द्वितीय से सप्तम जिसको मंडल कहते हैं 207, और नवीनतम मंडल अगर पूछेगा तो 8 से 10 बताइएगा, 8 से 10। और थर्ड जो है प्राचीनतम मंडल है आपका, जिसको वर्णन मिलता है आपका सूर्य एवं सावित्री का, जिस और आपका सेवंथ आपका सेकंड में आपको मिलता है ग्रे, थर्ड सेवंथ का मिलता है शिक्षा को वर्णन में, 8 का मिलता है हस्तलिखी मंडल में, 9 आपको मिलता है नोम में, इसके रचिता भी बताऊंगा रुक जाइए, देवता सोम का वर्णन मिलता है, 10वां आपका पुरुष सूक्त वर्णन का मिलता है वनस्पति का। और अब देखिए रचिता के बारे में जान लीजिए, सुन लीजिए। फर्स्ट के हैं अनेक ऋषि द्वारा रचिता है, और सेकंड मंडल के रचिता है ग्रह संबंध के द्वारा, और तो आपका थर्ड जो है आपको मिला, आपका फोर्थ आपको मिला है रचिता वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। और आपका एट है कण ऋषि के द्वारा, और नाइन्थ है नोम सोमदेव के द्वारा, और टेंथ है पुरुष सूक्त के द्वारा, और आपका सिक्स है रचयिता भारद्वाज ऋषि के द्वारा, भारद्वाज ऋषि के द्वारा। चलिए इसी के साथ में मेरे पास जो नोट्स था मैंने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ऋग्वेद में से किन मंडलों में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो आपका द्वितीय से सप्तम वंश मंडल जिसको कहा जाता है, द्वितीय से सप्तम मंडल मैंने बताया आपकी, प्राचीनतम मंडल इसी को कहते हैं। और पुराणों की संख्या मैंने अभी बताया 18 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऋग्वेद में से ऐसे मंत्र जिसमें अप्रमाणिक वल्खीय वजन शामिल है, अल्खीय वजन शामिल है, तो आपका 1028। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिसमें अप्रमाणिक वल्खीय जिसको कहते हैं अभी मैंने बताया 1028 क्या है, 1028 आपका सुक्तियों की संख्या है। इसको सुक्तियों को भी अप्रमाणिक वल्खीय वजन कहते हैं, वजन भी कहते हैं, तो 1028 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से वह कौन सा नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक शहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आपका भोगवा नदी है, होगा भोगवा नदी है। सुनते जाइए क्योंकि आप कुछ करना है नहीं, सुनना है आपको, सुनते सुनते आपको एग्जामिनेशन सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा रहा। और आप सुनते रहिए, क्वेश्चन कोई भी सुन छोड़ना नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए इसको, 2 से 3 बार सुनिएगा एग्जामिनेशन तक। निम्न में से वो कौन सी नदी है जो जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के रूप में जुड़ा हुआ है? तो आपका होगा भोगवा नदी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, लोथल से प्राप्त हुआ था चावल का साक्ष्य, लोथल से चावल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा संस्कृति से निम्न स्तरों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मैंने अभी बताया लोहथल गुजरात में पड़ता है। मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के कृति प्राप्त हुई है कहाँ से आपका? तो लोहथल से प्राप्त हुई है। जी फिर से बताता हूँ, मृणपट्टिका आपका लोहथल संबंधित होगा। ऋग्वेद में से सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है आपका? यम से संबंधित है। ऑप्शन से यग्नि, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्याओं में मंत्र जिससे के लिए बोला गया है? यम के लिए, यम से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ पर मिला है आपको? तो लोथल में प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लोथल कहाँ है? तो आपको गुजरात में, मैंने बहुत बार बताया हड़प्पा सभ्यता स्थित है लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्न में से कौन सा वेद जादू टोना जानू अधिष्ठान वशीकरण से संबंधित है? अर्थवेद है, यथवेद, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ होता है बलिदान देना, यजुर का मतलब होता है बलिदान। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित है? तीन भागों में विभाजित आपका है धौलावीरा, धौलावीरा आपका तीन विभागों से विभाजित है। एक जुते हुए खेत का खेत की खोज की गई थी, जुते हुए खेत आपका मिला था कालीबंगा से, कालीबंगा, जुते हुए खेत कालीबंगा, जुते हुए खेत कालीबंगा, और यहीं से कालीबंगा जिसका नाम पड़ा था, जिसमें तांबे के मोटे मोटे काले चूड़ियां प्राप्त हुई थी, जिससे जिससे संबंधित इसका नाम पड़ा था कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संबंधित संस्कृति संबंधित? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल और फिर रोपर या आलमगीरपुर। तो आपका आंसर आ जाएगा कालीबंगा, जो प्राक के जिसको कहते हैं प्रारंभिक हड़प्पा का संस्कृति संबंधित है वो कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पुराना उपनिषद किसे कहते हैं? तो आपका छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद कहते हैं छांदोग्य। ऑप्शन और भी है, जैसे ईसा उपनिषद, मांडुक उपनिषद, खेना उपनिषद, या इनमें से एक से अधिक। तो आपका सबसे पुराना उपनिषद आपका माना जाएगा छांदोग्य उपनिषद। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी हुई है, प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से कितने से बनी है? पांच से। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है कितने? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आपका 5 आंसर लगा दीजिएगा। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख आपका ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, हम आपको टॉपिक आपको दे देता हूँ, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बौद्ध, जैन, बगावत एवं शैव धर्म, इससे संबंधित आपने पढ़ रखा है। आप देखिए आपका क्वेश्चन कितना सही होता है। आप बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कहां प्राप्त हुआ है, कहां हुआ था? तो ऑप्शन है कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो आंसर आ जाएगा कुंडलग्राम, कुंडलग्राम। महावीर का जन्म कहां है? कुंडलग्राम। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध आपका है बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, जिसको पहला उपदेश कहते हैं? तो वो सारनाथ ही आएगा। ऑप्शन, इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे, पहला उपदेश, धर्म उपदेश या फिर धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? तो सारनाथ में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता के दो नवीनतम खोजों का निर्माण कीजिए। ऑप्शन है कुंताशी, धौलावीरा, रोपर, मांडा। तो सही आंसर आ जाएगा कुंतासी और धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के दो नवीनतम खोजों का निर्माण अभी किया गया है, तो वो कुंताशी और धौलावीरा का। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सैनदेव, एक सेकेंड का,